एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं सुना शुक्ला पठन अभ्यास कार्य की एक श्रृंखला लेकर चल रही थी। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। इस पठन अभ्यास कार्य में अभी तक हमने 11 स्वरों को समझा, चिन्ह के रूप में, वर्ण के रूप में उनका उच्चारण कैसे किया जाता है और किसी अक्षर के किस तरफ उसको लगाया जाता है। आज हम बात करेंगे अयोग वाह की। दो वर्ण हमारे अयोग वाह में आते हैं जिसको हम अंग और आह के रूप में प्रयोग करते हैं। आज हम बात करेंगे अंग की। आपको लगता है ना कि बहुत आसान है, किसी भी शब्द के ऊपर एक बिंदु आपको दिखाई पड़ता है, उसको हम अनुस्वार के रूप में पढ़ लेते हैं। इसको समझने की जरूरत क्या है? जब धीरे धीरे बड़ी कक्षाओं में आप जाते हो, अगर शुरू से आपको इसका अंतर पता है तो वर्ण विच्छेद हो या कोई भी आपसे पूछे कि अगर चंचल लिखा है तो जो इसमें बिंदु लगा है वो बिंदु किसका पंचमाक्षर है, तो आपको पता नहीं है ना कि जो बिंदु लगा होता है वो पंचमाक्षर होता है, उसी वर्ग का पंचमाक्षर होता है, उसी को हम अनुस्वार के रूप में जानते हैं। हम लोग पठन अभ्यास कार्य में अयोग वाह को जानेंगे। अयोग वाह क्या है? दो वर्ण आपको दिखाई पड़ते हैं, अंग और आहा, जिसको हम अयोग वाह की श्रेणी में रखते हैं। ये वर्ण ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, इनको हम अयोग वाह के रूप में जानते हैं। जब हम किसी शब्द में बिंदु के रूप में, चंद्र बिंदु के रूप में या विसर्ग के रूप में दो बिंदु को देखते हैं, वही हमारे अयोग वाह की श्रेणी में आते हैं। अब बात इनके स्थान की करें तो यह स्वर के ठीक बाद और व्यंजन के ठीक पहले आता है। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक शब्द यहाँ हमने लिखा या अंग और कु और र। अब यहाँ हमें, अभी तो अकुर बना ना, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है और हमने यहाँ बिंदु के रूप में लिख दिया। अब क्या कहा गया है, स्वर के ठीक बाद, यानी अ एक स्वर है, स्वर के ठीक बाद क एक व्यंजन है और व्यंजन के ठीक पहले इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ये क और अ के बीच की कड़ी है और यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अयोग वाह को हम तीन रूपों में देख सकते हैं। पहला, अनुस्वार के रूप में, जो किसी भी वर्ण यानी स्वर और व्यंजन के बीच में एक बिंदु के रूप में दिखाई पड़ता है। और दूसरा हम देखते हैं अनुनासिक के रूप में, जो हमें चंद्र और बिंदु के रूप में दिखाई पड़ता है। और तीसरा विसर्ग के रूप में, यानी किसी भी अक्षर यानी किसी भी वर्ण के सामने दो बिंदु के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, वो हम अह के रूप में समझते हैं। लेकिन आज हम बात यहाँ केवल अनुस्वार की करेंगे। आपको लगता है ना कि बहुत आसान है, किसी भी शब्द के ऊपर जब एक बिंदु लग जाता है और हमें क्या समझ में आता है, जितने भी शब्द हैं जिसके ऊपर ये बिंदु लग गया ना, उसको हम ना के रूप में उच्चारण करेंगे, यानी न यानी आधे ना के रूप में उच्चारण करेंगे। लेकिन ये गलत है। अगर आपको अनुस्वार पढ़ना है तो बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि धीरे धीरे जब आपकी कक्षाएं ऊपर जाएंगी, जब किसी कंपटीशन में आप आएंगे, तो जब अनुस्वार की बात आएगी, कोई एक शब्द लिख देंगे और लिखेंगे कि जो यहाँ बिंदु है ये किस वर्ग का पंचमाक्षर है। अब आपको समझ ही नहीं आया कि वर्ग क्या है और पंचमाक्षर क्या है। अब वर्ग की बात करें, का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग, और ये 25 स्पर्श व्यंजन है। इसका जो पंचमाक्षर होता है उसको नासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये नाक से बोला जाता है। लेकिन प्रत्येक वर्ग का जो नासिक वर्ण है वो अलग अलग लगाए जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम बात वर्ण विच्छेद की करते हैं तो वहां पर सब गलत हो जाता है। जिस जो स्पर्श व्यंजन है, अगर इसके बाद आपको बिंदु दिखाई पड़ता है तो वहां पर हम अंग लगाते हैं। इस पठन अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले सबका पंचमाक्षर आपको जानना जरूरी है। ये पंचमाक्षर ही नासिक के वर्ण कहलाते हैं और ये अनुनासिक पंचमाक्षर हलंत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब थोड़ा सा आसान शब्दों में समझिए। अब हम क वर्ग की बात करेंगे तो क ख ग घ ङ, फिर च वर्ग की बात करेंगे तो च छ ज झ य, फिर हम ट वर्ग की बात करेंगे तो ट ठ ड ढ ण, और हम त वर्ग की बात करेंगे तो ता थ द ध न,
और अगर हम प वर्ग की बात करेंगे तो प फ ब भ म, आपने देख लिया ये पंचमाक्षर। ये बात यहाँ पर देखिए, अंग लिखा गया है। जब इस 25 स्पर्श व्यंजन के अलावा दूसरे वर्ण आते हैं और वहां हमको बिंदु दिखाई पड़ता है, तो जब उसका वर्ण विक्षेप करेंगे तो अंग के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। अब एक एक शब्द का उच्चारण देखते जाइए, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूं। यहां आप देखिए, यहां मैंने अंग लिखा है और उसी से संबंधित सारे शब्द आपको मैं दिखाऊंगी। अब यहाँ गंगा लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जब भी हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, जब भी हम पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे, वर्गीय पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे, तो नासिका को यानी नाक को दबा के पढ़ेंगे गंगा। क्या हमने पढ़ा? गंगा, गंगा। अब यहां पर अगर इस शब्द का वर्ण विक्षेप करना हो तो ग के ऊपर ना नहीं लगा है, नहीं तो आप पढ़ेंगे गंगा। क्या पढ़ेंगे? गंगा। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं? गंगा। तो स्पष्ट रूप से हमें क्या सुनाई पड़ा? हमको ओंग सुनाई पड़ा, यानी क वर्ण का जो पंचमा अक्षर है गंगा, वो हलंत के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी जब वर्ण विक्षेप करेंगे तो यहाँ गंगा का मतलब है ये बीच में। अगर इस बिंदु को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हल चिन्ह के रूप में हम गंगा का प्रयोग करेंगे, तो हम समझे कैसे कि ये क वर्ग का पंचमाक्षर ही है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि सामने वाले अक्षर को देखना है, यानी यहाँ ऊपर अनुस्वार लगा है और सामने क्या लगा है, यानी उल्टी तरफ नहीं सीधी तरफ कौन सा अक्षर है? ग अक्षर है। फिर याद करिए आप कि किस वर्ग का है। आपके दिमाग में आ गया ना, अच्छा ये क वर्ग का है, क ख ग घ ङ। इस वजह से यहां पर चूंकि इसके परे अनुस्वार के परे ग वर्ण है, जो क वर्ग का पंचमा अक्षर गा है, उसको हल चिन्ह के रूप में प्रयोग करेंगे। हल चिन्ह यानी आधे अक्षर के रूप में प्रयोग करेंगे। अब यहां देखिए, मैंने शब्द क्या लिखा है? संगत। पहले पढ़ने का तरीका सीखिए, क्योंकि ये पठन अभ्यास कार्य है। मैं छोटी छोटी चीजें सारी इसलिए बता देती हूं कि आगे आप शुद्ध रूप से उसका उच्चारण तो करिए पर समझ के साथ पढ़िए कि तो यहां किस वर्ग के पंचमाक्षर को हल चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। अब संगत, अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? संग, संगत, संगत, संग, संग। तो क्या सुनाई पड़ा? उंग। हम अंगा नहीं पढ़ते, उंग। तो हमने क्या देखा कि जो ये अनुस्वार है उसके परे ग वर्ण है। मैंने बताया ना, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्वर के ठीक बाद। अब स में अ निकल रहा है, स्वर के ठीक बाद और व्यंजन के ठीक पहले यानी बीच में बिंदु के रूप में इसका हम प्रयोग करेंगे। अब परे क्या है? ग है। फिर कौन से वर्ग का पंचमाक्षर आएगा? क ख ग। वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। तो यहां पर अगर हमें वर्ण विक्षेप करना होगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर उ का प्रयोग किया गया है और हमने क्या पढ़ा? संगत। तो ये ध्यान दिया। अब देखिए यहां हमने क्या लिखा? रंग। समझ में आ गया ना कि ये क्या है? अनुस्वार है। नाक दबा के पढ़ेंगे रंग, रंग। मेरा वीडियो लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन इतना तो विश्वास है मुझे कि अगर आप बहुत बारीकी से इसको समझ लें तो बार बार उस चीज को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगला शब्द क्या लिखा है? पंकज। सबसे पहले उच्चारण देखिए, ओके बाद हमें उंग निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा? पंग। अब ध्यान रखिए कि अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर आया है? क आया है। क किसका है? क वर्ग का पहला ही अक्षर है, इसलिए हम यहाँ जो बिंदु है वो किसका? क वर्ग का पंचमाक्षर है और हमने क्या पढ़ लिया? पंकज। अगला शब्द कंगन, कंगन। फिर आया कि ये जो अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आया है, आपने सोचा अरे तो आपने देखा अरे यहाँ ग आया है, तो क ख ग, तो यानी ये क
वर्ग का पंचमाक्षर के रूप में हमें अनुस्वार दिखाई पड़ रहा है। अगला शब्द क्या है? पतंग। कैसे पढ़ेंगे हम? पतंग, यानी जिस दो वर्णों के बीच में, यानी त के ठीक बाद ग के ठीक पहले बीच में इसको पढ़ा गया, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? पतंग, यानी जहां पर बिंदु है वहीं नाक दबाना है, ये भी ध्यान रखिएगा, पतंग। अगला क्या है? सुरंग। अब आप समझ गए ना कि यहां पर क वर्ग का पंचमाक्षर को हल्के रूप में प्रयोग किया गया, यानी जो पंचमाक्षर है अनुनासिक जो है वो अनुस्वार के रूप में हमें बिंदु के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर मैंने कौन सा लिया पंचमाक्षर? हम ज वर्ग का पंचमाक्षर लिया है। समझाने के लिए, इससे आपका पठन अभ्यास कार्य भी हो रहा है और आपको समझ भी आ रहा है। आप पंचमाक्षर क्या है च वर्ग का पढ़िए, च छ ज झ ञ ञ। तो आप पंचमाक्षर कैसे है ये समझिए। आप पहला शब्द हमने क्या पढ़ा? चंचल। पहला शब्द क्या है? चंचल। आप देखिए, आप इसके परे यानी अनुस्वार के परे क्या है? च है। आपको तुरंत याद आ गया कि यहाँ च है, यानी च वर्ग का पंचमाक्षर य होता है। अगर हम इसका वर्ण विक्षेप करेंगे तो यहाँ पर हम ऊ न लगाकर य लगाएंगे, क्योंकि ये च वर्ग का पंचमाक्षर को हल्के रूप में यानी आधे वर्ण के रूप में प्रयोग किए हैं। तो हमने कैसे पढ़ा? चन, चन चल, चन चल। फिर देखिए, अंचल, अंचल। जब भी शब्द को बोलिए तो नासिका को दबाइए, चंचल, अंचल, और आपने पढ़ लिया। फिर अगला शब्द क्या लिखा है? मन जन। ध्यान आपको रखना, जन है ज और उसके म और ज के बीच में एक बिंदु दिखाई पड़ा अनुस्वार के रूप में, और ज किसका वर्ण है? च छ ज, यानी च वर्ग का तीसरा वर्ण है च छ ज। तो हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि यहाँ च वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग किया गया। हमने पढ़ लिया मन, मन जन, मन। अगला शब्द पंचायत, पंचायत, पंचायत। अगला शब्द है खंजर, खन खंजर, खंजर। अगला पन पंचर, पंचर। अब यहाँ हम ऋणों की बात करेंगे। अब ऋ किसका पंचमाक्षर है? इसको हम अणा नहीं पढ़ते, इसको हम ऋ पढ़ते हैं, ऋ। तो ये किसका पंचमाक्षर है? ट ठ ड ढ ण। अब ऋ जो है ट वर्ग का पंचमाक्षर है। अब हम एक एक शब्द को लेके समझते हैं। अब यहाँ डंडा लिखा है, क्या लिखा है? डंडा लिखा है। अब डंडा हमें पढ़ने के लिए पहले हमने नाक तो दबा लिया, डंडा। लेकिन कभी भी आप कहीं भी लिखा देखिए तो वहां ण का ये वाला पार्ट हमें दिखाई पड़ता है। तो मतलब है कि ण को हल चिन्ह के रूप में या आधे वर्ण के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और हम समझ गए कि परे ड है, ड किसके वर्ग में आता है? ट ठ ड, ट वर्ग में आता है, ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या? ण है। तो इसलिए ये बीच में ण का प्रयोग किया गया है। अगला शब्द मन, मंडल, मंडल। अंग्रेजी में ण न को एक जैसे पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में बिंदु भी अपना स्थान रखती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए घंटा, घंटा, घंटा। अब यहाँ पे भी ये ट है, तो ध्यान क्या रखना है? ट वर्ग का पंचमाक्षर ण है, ट ट ड ण। तो यानी ये बीच में जो ये अनुस्वार है वो क्या है? वो ट वर्ग का पंचमाक्षर है। अब यहाँ पंडित, पंडित, पंडित। शब्दों को उच्चारण करने से पहले जितनी मैंने 11 मात्राएं बहुत अच्छे से आपको इसी श्रृंखला में बताई है, वो एक एक वीडियो आप देखकर तब इस श्रृंखला से जुड़िए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पढ़ें कैसे। आज तो यहाँ बात केवल अनुस्वार की हो रही है। अब देखिए पंडित, फिर मंडी, मंडल। यहाँ पर हम बात करेंगे न की, और न को भी सब में देखिए आपको बिंदु के रूप में ही दिखेगा, अलग अलग लिखेंगे
तो बात दूसरी है। संस्कृत में क्या होता ना, बिंदु के जगह उसी पंचमाक्षर को ही हल चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखिए। संस्कृत विषय में जब बात आती है तो सारा उसमें अलग अलग होता है, चूंकि आपको पता नहीं है इसलिए आप समझ नहीं पाते हैं। और न जो ये वर्ण है किसका पंचमाक्षर है, बोल कर देखिए, त थ द ध न, यानी त वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है, न है। अब यहाँ न का प्रयोग होगा, हम क्या करते हैं ना, बचपन से ही गलत पढ़ते आते हैं और उसी प्रकार से हम दूसरों को भी बता देते हैं। इस प्रकार से अगर हम पढ़ते हैं ना तो कभी भी कोई भी संशय नहीं होता है। अब न देखिए, अब यहाँ क्या पढ़ेंगे आप, नंद, क्या पढ़ेंगे, नंद। अगर आप यहाँ पर यहाँ बिंदु ना लगा के आधा ना लगा देते हैं तो समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ न ही क्यों लगेगा, क्योंकि इसके परे हमने क्या देखा, द देखा, और द किसके वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है, त थ द ध न, त थ द, तो द आया तो समझ में आ गया कि जो अनुस्वार है वो न है। अगला शब्द चन दन, चन दन, तो समझ में आ गया कि यहाँ द है, द किसका किस वर्ग का है, तो त वर्ग का है, इसलिए जो यहाँ बिंदु है वो न के रूप में प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिए वन, वन द न, पहले तो पढ़िए आप, इसको पढ़ेंगे हम कैसे, जहां आपने बिंदु देखा आपको नासिका दबा लेना है, अभ्यास कार्य है। साथ साथ मैं इसलिए इसको बता रही हूं कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके दिमाग में कि जितने भी यहाँ पर अनुस्वार हमें यानी बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं वो सब ना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या लिखा है, मंथन। अब परे आपने थ देखा, देखिए त थ, तो थ आया ना, तो हम समझ गए कि इसका जो है त वर्ग का पंचमाक्षर न है, इसलिए यहाँ पर हम न का प्रयोग कर रहे हैं। और हमने पढ़ा मंथन, मंथन, मन, नाक दबा लीजिए, शब्द का उच्चारण हो जाएगा मंथन। अगला शब्द देखिए संदेश, संदेश। अगला लंदन, लंदन। अगला हम देखते हैं म, हल रूप में आपको म दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे शब्द आप देखते हैं फिर आप समझ ही नहीं पाते हैं कि जो ये बिंदु है वो न है या म है। इसी वजह से जब बिंदु के रूप में हम कोई शब्द लिखते हैं तो सही होता है, लेकिन जब उसको आधे अक्षर के रूप में लिखते हैं तो वो शब्द गलत हो जाता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि म किस वर्ग का पंचमाक्षर है, समझ गए कि प वर्ग का पंचमाक्षर म है। अब बहुत सारे शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है। अब हमने यहाँ क्या लिखा है, संपूर्ण, सम, संपूर्ण। आप जितने भी पंचमाक्षर लगते हैं ना, ध्यान से अगर आप सुनिए ना तो सब में अंतर स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ता है। अब यहाँ हम संपूर्ण पढ़ रहे हैं। अब प आया है, यानी अनुस्वार के जस्ट वर्ड प आया है, तो प किस वर्ग का है, तो प प वर्ग का है, प फ ब भ म, तो यानी पंचमा अक्षर यानी। फिर अगला शब्द क्या है, गंभीर, गंभीर, अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया। और अगर आप इसको आधे वर्ण के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप गंभीर लिख सकते हैं, यानी ग आधा म भी और र गंभीर। अगला अक्षर हमने देखा सम्मिलित, ये सम, संभव, संभव। अगला शब्द कंपनी, कंपनी। अब अगला देखिए, यहां मैंने अंग लिखा है, तो अभी तक हमने अनुस्वार के रूप में अंग का मतलब है बिंदु, ठीक है। अब बिंदु यानी अनुस्वार, अब 25 स्पर्श वर्ण तो खत्म हो गए, पंचमा अक्षर भी खत्म हो गया। अब अगर हम वर्ण विक्षेद करें, आपका प्रश्न हो सकता है कि जब ये 25 स्पर्श व्यंजन जब खत्म हो जाते हैं, किसी और वर्ण पर इस प्रकार से बिंदु लगा होता है, उसका वर्ण विक्षेद अगर हम करें तो किस प्रकार से करेंगे, तो उसको भी ध्यान देते हुए आप चलिए। अब यहाँ हमने लिखा कंस, क्या लिखा, कंस। यहाँ भी आपको बिंदु दिखाई पड़ा, लेकिन उसके परे जो वर्ण है जिस स्पर्श वर्ण में नहीं आते हैं, तो इसके लिए अगर हम वर्ण विक्षेद करते हैं तो यहाँ ये अंग पूरा लिख दिया जाता है, यानी क के बाद
हम लगाएंगे, उसके बाद स प्लस अ लगाएंगे तो हमारा वर्ण विच्छेद बन जाएगा। अगला शब्द आंशिक, आंशिक, आंशिक। अगला शब्द संयम, संयम। फिर अगला शब्द मंत्र, क्या लिखा है? मंत्र। अगला शब्द संज्ञा, संज्ञा। अगला शब्द संक्षिप्त, संक्षिप्त। पसंदीदा, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। यहाँ ध है तो आप समझ जाएंगे कि किसका पंचमाक्षर लगना है। यहाँ आनंद तो आप समझ जाएंगे इसका पंचमाक्षर क्या है। यहाँ है अंधकार, अंधकार। अब आपको समझ में आ गया ध है तो कौन सा पंचमाक्षर लगेगा। और यहाँ है ठंडक, ठंडक। अब ड है तो आप समझ जाएंगे कि किसका पंचमाक्षर है। आज हमने इस पठन अभ्यास कार्य में अनुस्वार को बहुत बारीकी से सीखा। तो अगला वीडियो अनुनासिक के साथ बहुत जल्दी लेकर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।